करो, बंद करो। लागू करो, लागू करो, लागू करो। बंद करो, बंद करो। न्यूज क्लिक के दर्शकों को हम बता दें कि देश में एक बहुत अहम प्रोटेस्ट, एक बहुत अहम अभियान चल रहा है। पिछले करीब 100 दिनों से देश के 17 से 18 राज्यों में सिर्फ एक मांग को लेकर, स्टॉप किलिंग अस, यानी हमें मारना बंद करो। यहां पर सफाई कर्मचारी समाज से जुड़ा हुआ तबका सड़कों पर है। तमाम राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार से सिर्फ एक मांग कर रहा है कि सीवर और सेप्टिक टैंक में जो मौतें हो रही हैं, जिन्हें लेकर वे लगातार लोकसभा और राज्यसभा में झूठ बोल रहे हैं, वे झूठ बोलना बंद करें और सीवर और सेप्टिक टैंक में हत्याओं को तुरंत रोकें। इस अभियान को चला रहा है सफाई कर्मचारी आंदोलन। हम जा रहे हैं सफाई कर्मचारी आंदोलन के नेता बेजवाड़ा विल्सन से बात करने। आपका न्यूज क्लिक में स्वागत है विल्सन। ये जो पूरा अभियान चल रहा है, जिसने करीब देश को कहिए कि कश्मीर से लेकर नीचे चेन्नई तक, तमिलनाडु तक, और इधर राजस्थान से लेकर पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल, असम तक पहुंचा है, मकसद क्या है और क्या आपको लगता है हासिल हुआ है इन दिनों में? लोग सड़कों पर हैं, लोग रोज एक ही मांग है आपकी और कोई मांग नहीं। ये तो हमारा मांग क्या है बहुत क्लियर है। ये बड़ा दो तीन ऐसा कुछ नहीं है, हमें मारना बंद करो। ये तो सिंपल है और स्पष्ट भी है। इस पे बहुत हम लोग जाके एक्सप्लेन करके किसी का बताना कोई जरूरी नहीं है। सो क्यों हम लोग ने ये बताने के, ये 75 साल आज़ादी के बाद अगर आज भी ये देश का इंसान, ये देश का नागरिक कोई भी एक गटर का अंदर, सीवर इसका अंदर घुसा के वहां से साफ करने के व्यवस्था क्यों रखा सरकार? ये व्यवस्था रखा अभी तक, यही सिस्टम अभी तक चालू है, इसी वजह से वो लोग ने मर रहा है। ये तो कोई का इंसान का गटर का अंदर घुस के वहां जान छोड़ना किसी का कुछ नहीं होते, ये सबका जानते हैं, ये बताना भी जरूरी नहीं। फिर भी सारे मालूम है सरकार का कितने लोग अभी तक वो मार डाला, वो संख्या पूछे तो भी संख्या नहीं बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 2014 पे, अभी तक कितने साल हो गया, इतने साल होने के बाद, 8 साल के बाद अभी सरकार ने उनका खुद आंकड़ा कलेक्ट करने के काम अभी तक नहीं किया। हम कोई एक डेटा देंगे, वो डेटा से वो काउंटर करना तैयार हो जाते, इतने लोग तो नहीं मरा, मतलब वो मंत्री कितने नंबर बता रहे हैं, इतने लोग मर जाए तो ठीक है क्या? सर ये मामला इधर संख्या कितने हैं ये नहीं है। हमने मारने के आपका कौन अधिकार दिया? जीने के हमारा का अधिकार ने संविधान ने दिया, ये अधिकार आप खींच के हमारा का मार डाल रहा है, ये कौन बंद करेगा? इसका जवाब ये प्रधानमंत्री देना, सारे मुख्यमंत्री सारे देना पड़ते हैं, यही वो एक ही सवाल है। देश ने अभी 15 अगस्त को 75वां साल मनाया, अमृत महोत्सव पूरे देश में चला, प्रधानमंत्री ने भी काफी बड़ी घोषणाएं लाल किले से की। आपको क्या लगता है कि जो मांगे समाज की हैं, आपके संगठन की हैं, दलित समाज की हैं, उन मांगों को कहीं पर एड्रेस किया गया क्या? अभी तक कहीं भी नहीं है। मैं कल भी प्रधानमंत्री का भाषण पूरा सुना और इस पे भी लग रहा है वो ये देश पे प्रधानमंत्री इस पे कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। क्यों है? तो उनका ये बड़ा मुद्दा नहीं है, उनका मुद्दा अलग अलग है। ये समाज है, इतने समाज हैं, ये समाज का चीज कुछ भी होते हैं, उनका कुछ मुद्दा होते हैं, इसका सारे राजनीतिक पार्टियां वो बहुत इंपॉर्टेंट जैसा लेना पड़ते हैं। क्यों है? तो वो खुद जाके पार्लियामेंट पे नहीं बोल सकते। सारे जाति लोग हैं, ये देश है जाति से विभाजित देश है, इसका छुपा के आपने राजनीति कोई भी नहीं खेल सकते। सबका जानते हैं कौन सी जात लोग पार्लियामेंट पे ज्यादा से ज्यादा बैठते हैं। ये वो पिछले पर्टिकुलरली सफाई कर्मचारी का समुदाय का लोग है, वहां तो इतने आवाज उठाना बहुत मुश्किल है। मतलब कोई राजनीतिक पार्टी है, सबसे पहले जिम्मेदारी पड़ेगा
सत्ता पे कौन बैठा, वो पार्टी का, वो प्रधानमंत्री का, एक ध्यान से सुनना पड़ते हैं। इतने लोग महिला बाहर आके मेरा पति का सबका, हमने ऐसा इधर गटर का अंदर उनका जान निकाल गया, हमने देखा इसका विटनेस करके बाहर आके बता रहे हैं, यही स्थिति दूसरा का किसी का नहीं होना। वो कुछ नहीं बोल रहा है, आप अभी मेरा पति का जीवन चले गया वापस लौटो, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा है, आपका नागरिक का और आगे कालों पे किसी का ये दुर्परिस्थिति पे कोई नहीं मारना। एक संदेश कौन देगा, कोई ये देश पे बड़ा नेता दे रहा है, प्रधानमंत्री दे रहा है, राष्ट्रपति दे रहा है, कोई भाषण सुनो, ये भाषण कौन दे रहा है, सफाई कर्मचारी महिला दे रहा है आज का स्थिति पे देश पे। 75 साल के बाद वो बाहर आके ऐसा मार डालना सही नहीं है, इसका बंद करो। क्या इससे सुनने के कोई इतने बड़ा आंदोलन चाहिए, 100 दिन सड़क पे आना चाहिए, एक महिला एक बार बाहर आके बताएंगे, नहीं सुन सकते, इतने व्यवस्था नहीं है, नहीं है तो इसका हम लोग लोकतंत्र नहीं मान सकते। एक बहुत सीधा सा सवाल है कि आपका जो आपकी जो मांग है जो इतने दिनों से चल रही है वो है, उसका सीधा सीधा संबंध सैनिटेशन से है, साफ सफाई से है, सीवर और गटर की सफाई से है, जहां पे लोग मर रहे हैं, और वो आंकड़े आप लगातार देश की संसद में भी देते रहे हैं, सांसदों को आपके डेलीगेशन जाके देते रहे हैं। क्या ये इतना आपको लगता है कि इसकी जो सुनवाई नहीं है, इसकी वजह क्या है? क्या सरकार को लगता है पैसा बहुत खर्च होगा? क्या सरकार को लगता है कि सीवर का मॉडर्नाइजेशन नहीं हो सकता, सफाई का मॉडर्नाइजेशन नहीं हो सकता है, या फिर उनके दिमाग में कुछ और मुद्दा है? उनको तो बहुत क्लियर पता है ये कौन मर रहा है, उन्हें सारे दलित वर्ग का है, सो वो लोग किसी का जान निकालने के समय अभी सरकार का कुछ भी मतलब भी नहीं है, वो स्पष्ट है कि ये तो हमने आंकड़ा दे रहा है, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, करीब अभी ये देश का अंदर आंकड़ा का रूप से हम प्रूव करना, लगभग 2000 जैसा ये देश का नागरिक गटर के अंदर मच, 2000 लगभग इतने लोग मरने के बाद अभी हम बोलेगा 2000 लोग है, इसका काउंटर करना सारे लोग खुद के आ जाते, ये 2000 नहीं है, ठीक है 1500 लोग या कम संख्या है, तो आप नंबर काउंट करते हैं, नंबर गेम खेलना बंद करना पड़ते हैं, उनका सबका जानते हैं, अगर करना चाहिए तो टॉयलेट बनाना चाहिए तो प्रधानमंत्री ने आके खुद अनाउंस किया स्वच्छ भारत अभियान, अभी लोग मर रहे हैं हम बताए तो, ये तो सैनिटेशन है, ये म्युनिसिपैलिटी वाला करेगा, ये कॉर्पोरेशन वाला करेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट करेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ये जल बोर्ड बोलेगा ये हम नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट करेगा, ये खेल थोड़ा बंद करना पड़ते हैं। टॉयलेट बनाने के समय आपका याद नहीं आया ये सैनिटेशन का मुद्दा है? सैनिटेशन ये देश का अंदर कहीं भी होगा, ये सैनिटेशन का जाति का एक संबंध है, कभी कोई मुद्दा जाति से संबंधित होते हैं इस पे बात करना बंद करते हैं। सारे लोग सोचते हैं अरे आरक्षण से आपका संसद पार्लियामेंट पे है, मतलब क्या है आरक्षण से, तो आरक्षण वाला ही बात करना, और महिला का मुद्दा है तो महिला ही बात कर, इतने दिमाग विभाजित हुए तो ये नागरिक समाज नहीं कह सकती। इस पे समझना एक इंपॉर्टेंट है, अति लास्ट आखिरी लीस्ट कोई भी होगा, वल्नरेबल कम्युनिटी का बिलोंग करने का समस्या होगा, अगर हो ये तो सबसे हाईएस्ट कौन होते, प्रधानमंत्री, यहां से शुरू करना पड़ता है, यही राजनीति होते हैं। राजनीति मतलब सत्ता पे आके बैठने के खेल खेल के खरीद के एमएलए एमपी का सत्ता कब्जा करना नहीं होते हैं, राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनीति एक देश का देना, एक समाज का एक नीति का तैयार करने का एक स्थिति है, ये राजनीति खेल जैसा हो गया, किसका पास पैसा है वो सत्ता पे बैठ, इलेक्शन से जीतना नहीं है, ये देश का नागरिक का जान बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जीतो हर जाओ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबका एक याद रखना पड़ते है, सबका नागरिक का
जिंदा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देश बनाना। नागरिक मरने के समय आप कहां से सत्ता पे बैठेगा? मतलब दलित मर जाए तो हमारे को कोई मतलब नहीं, यही कहना। पार्लियामेंट पे अनाउंस करो, पार्लियामेंट पे अनाउंस करो, नहीं तो इतने लोग मरने के बाद भी इतने सब जगह लोग आके यात्रा ने किया, बस यात्रा ने किया, पैदल यात्रा ने किया, साइकिल यात्रा किया, अभी कम से कम 100 दिन से सारे खुद बाहर आके एक ही नारा, हमने मारना बंद करो बोले तो क्यों इतने चुपचाप बैठ जाते हैं? ये चुप छोड़ना पड़ते हैं, इसका जवाब देना ही पड़ते हैं। जब तक वो जवाब नहीं आएगा ये लोग कहीं से भी नहीं रुकेंगे, ये आवाज ऐसे ही और बुलंद हो जाएगा, हमारा का कोई भी नहीं रुक सकती। क्यों है तो अगर बताना पड़ता है, हमारा आपका मार डालना हमारा हक है, आप डिक्लेयर करो, हम भी तैयार करेगा हमारा रणनीति। मतलब आपका कहना है कि जब तक सरकार ऑफिशियली इस मांग को एक्सेप्ट नहीं करती, इस मांग को स्वीकार नहीं करती, ये आपकी जो अभियान चल रहा है स्टॉप किलिंग अस, ये इसी तरह से चलता रहेगा? चलता रहेंगे, क्यों है तो ये रणनीति एक लड़ाई एक आंदोलन नहीं है, ये हमारा जीवन है, ये हमारा जान है, हमारा जान का बचाना पड़ते है। हमारा जान निकालने के बाद हम क्या करेंगे? ये जान बचाने के एक बहुत बड़ा एक व्यथा से हम करने का एक राय है, ये मुद्दा एक बड़ा समस्या, आंदोलन रणनीति बड़ा बड़ा शब्द का नहीं है, नागरिक का उनका जिंदा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों तो ये आर्टिकल 21 संविधान कहते हैं जीने के हमारा का हक है, और हमारा आश्रित लोग मरने के समय उनका सबका लाश उठा के जाने के समय लगते हैं कितना बाधा वेदा होते हैं, ये तो बिल्कुल रुकना ही पड़ते हैं। ये आंदोलन का बात नहीं है, ये चैलेंज का बात नहीं, ये हम जीतना आप हारना ये बात नहीं है, एक सारे इंसान एक इंसानियता का ये देश पे बचाना चाहिए, तो ये अभी उनका आवाज का सब लोग मदद करना और आगे लेके जाना, एक दिन आना पड़ेगा सब नागरिक बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उनका जान बचाने के लिए हम सड़क पे आएंगे, लोग आएंगे, मुझे विश्वास है ये दिन दूर नहीं है, बिल्कुल अभी अभी होने वाला है।